एफएमसीजी शहरों में अगर देखें एचयूएल, नेस्ले, जीसीपीएल, मैरिको फोकस में, नीरव एक बार एफएमसीजी पर अपनी राय दीजिएगा। मानसी, एफएमसीजी एज अ होल लास्ट कई महीनों से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। देर आर सम स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे मैरिको है, मगर बाकी जो स्टॉक्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। एचयूएल एक कंसोलिडेशन फेज में है पिछले 1-1.5 साल से। सिमिलरली डाबर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है सब चार्ट देखे कि इसे अवॉइड कर सकते हैं। मेजर स्टॉक्स जो हैं इन्हें अवॉइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। यस, जैसे गोदरेज एग्रो ने बात किया, गोदरेज एग्रो में डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आ चुका है करीब करीब 502 का। और ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट रहेगा, रीटेस्ट भी हो चुका है, और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अब इधर से ऊपर जा सकता है, 575-580 के पास में जा सकता है। तो इसे बाइंग कर सकते हैं, 500 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और 580-600 के पास में आता है वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी जो सारे स्टॉक्स हैं अभी अवॉइड ही करिए, क्योंकि इनमें अभी भी कंसोलिडेशन बाकी है। प्रॉबेबली 1-2 महीना और कंसोलिडेशन में जाएगा, उसके बाद शायद ब्रेकआउट्स आए, तो तब तक आप वेट करें।